तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ दोस्तों आखिरकार महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बन गई है। शिवसेना के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की गठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन आखिरकार किसको कौन सा मंत्रालय मिला है और कितने मंत्रियों ने किस दल से शपथ ली है, आज आपको शुरुआत पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब शिवसेना महाराष्ट्र में सीमित ना होकर बल्कि केंद्र की तरफ बढ़ने जा रही है, ऐसी खबरें यहां पर निकल कर आ रही हैं। और यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, तो उनको बहुत बहुत बधाई यहां पर दी जाती है। और अगर बात करें तो यहां पर छगन भुजबल, ये वो यहां पर कह सकते हैं कि मंत्री पद की शपथ ली है, एनसीपी की तरफ से मंत्री पद की शपथ ली है। और अगर इनकी कुछ आपको रिकॉर्ड दिखाएं तो 2004 से 2014 तक पीडब्ल्यू मंत्री रहे हैं, ये बड़ी खबर है। तो इन्हें पीडब्ल्यू मंत्री पद यहां पर दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2008 और 10 में ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो डिप्टी सीएम के लिए क्या अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कौन को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, बहुत जल्द इसकी पूरी जानकारी यहां पर सामने आ जाएगी। इससे पहले विधायक दल के नेता अजीत पवार थे, जो की अजीत पवार बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी कुछ दिन पहले। इसके बाद अजीत पवार ने इस्तीफा दिया, इसके बाद बीजेपी सरकार गिर गई। लेकिन इस बार एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बन गई है और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। एकनाथ शिंदे का नाम सबसे ज्यादा जोरों पर था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे शिवसेना की तरफ से एक वरिष्ठ नेता थे, क्योंकि उन्हें ही यहां पर विधायक दल का नेता चुनाया गया था। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का जो मत था, उन्होंने जो सहमति दी, वो उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति दी है। तो 2014 में विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने थे। और यहां पर अगर बात करें तो इसके अलावा यहां पर जो शिवसेना के सुभाष देसाई मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, तो एनसीपी से चुने गए हैं। तो नितिन राउत नागपुर उत्तर सीट से कांग्रेस विधायक यहां पर चुने गए हैं, मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। तो कांग्रेस की तरफ से भी दो यहां पर विधायकों को यहां पर मंत्री बनाया गया, लेकिन यहां पर क्लियर ये नहीं हुआ है कि किसे कौन सा मंत्रालय बनेगा और कौन बनेंगे डिप्टी सीएम। अगर यहां पर जयंत पाटिल की बात करें तो 1999 से 2008 तक महाराष्ट्र के वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को बड़े मंत्रालय यहां पर मिलेंगे, वित्त मंत्री जयंत पाटिल बन सकते हैं, ऐसी खबरें यहां पर निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता जो चुने गए हैं, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से दो विधायक, दो एनसीपी की तरफ से और दो शिवसेना की तरफ से कुल छह मंत्री। और मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे ने यहां पर महाराष्ट्र में शपथ ली है। एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है। तो आने वाले चुनाव के लिए अब बीजेपी और यहां पर अमित शाह क्या रणनीति अपनाते हैं, ये अब देखने लायक होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरे 5 साल कार्य करेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपको और भी इस तरह के वीडियो चाहिए जिसमें आप कह सकते हैं कि झारखंड की 81 सीटों के लिए भी ताजा एग्जिट पोल आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।